हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं टेक साफ। दोस्तों आज की वीडियो है कि मैंने ना एक एक वीडियो बनाई थी मैंने कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपको सॉफ्टवेयर को सीखना है, मोबाइल का सॉफ्टवेयर का कोर्स करना है तो मैं उसको रिलेटेड पूरी वीडियो बनाता हूँ और ना उसमें ना हम लोग फ्री में पूरी एक पार्ट बनाएंगे और फ्री की नॉलेज लेंगे। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले क्या हुआ कि मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाता हूँ, पूरे कोर्स चलाता हूँ और उसको अपनी वेबसाइट पर डालता हूँ, उसको एक अमाउंट रखता हूँ ताकि लोगों के उसमें ये रहे कि यार खरीदेंगे तो देखेंगे और बात बन जाएगी। क्योंकि क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं जो फ्री वाली हैं और उनको कोई देखता नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा ऐसा सोच थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मैसेज आने लगे बहुत सारे लोगों के, नेपाल है, बिहार है और आपका ये हिमाचल से है और आपका नैनीताल से, बहुत सारे लोग मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई कोर्स कब आएगा, आपकी कोई फीस है या फिर आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आप ऑनलाइन सिखा दो हमें। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक तैयार कि भाई आपके घर पर आ जाएंगे और यहाँ पर कहीं रूम ले लेंगे तो आप 1 घंटे करा दो, 2 घंटे करा दो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता कि मैंने जो भी नॉलेज सीखी है उसको मैं फ्री में दूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि मेरा इससे क्या होगा, मेरा यूट्यूब भी अपडेट रहेगा, मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ बहुत कम डालता हूँ, टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं सोच रहा हूँ कि रोज़ाना एक वीडियो डालूंगा पार्ट के सीरीज, जैसे कि रियलमी हो गया या ओप्पो हो गया एक पार्ट इसका बना दिया, सैमसंग का हो गया इसका एक बना दिया, एमआई का एक बना दिया, उसमें पूरी बात पूरी A to Z पूरा क्लियर करना है, ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप कैसे करना है। तो मैं फ्लैशिंग मोबाइल को फ्लैश करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, लेकिन आपको बता सकता हूँ कैसे फ्लैश होगा और प्रॉब्लम कहाँ आएगी कहाँ नहीं आएगी, जितनी भी नॉलेज है जितने भी अब तक मैंने सीखा है वो सब इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। ठीक है, बात हो गई है और ये था कि हाँ ये फ्री होगा, बिल्कुल फ्री होगा, इसकी कोई चार्ज नहीं है, मेरी वेबसाइट पर ये नहीं जाएगी। मैं पहले ये सोच रहा था कि यार वेबसाइट पर डाल देता हूँ, इससे वेबसाइट भी रन हो जाएगी और कोर्स का कोर्स बिक जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं यार इसको फ्री ही करा जाए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं 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 बाय कर पाएंगे, तो इसको मैंने बिल्कुल फ्री कर दिया और मैं कल से आपकी रेगुलर डेली के डेली पार्ट आया करेंगे इसके, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सब कुछ A to Z करके सिखाना है। ठीक है, जो लोग नए हैं वो सीख जाएंगे, जो लोग पुराने हैं तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे कस्टमर जो मुझसे बहुत बड़े हैं और उन्हें इस लाइन में एक्सपीरियंस भी ज़्यादा, 20 20 साल हो गए, 25 25 साल हो गए, वो आज भी मुझसे काम कराते हैं, रियलमी भी कराते हैं, एमआई भी कराते हैं, सैमसंग भी कराते हैं। कराने की वजह यही है कि आप पुराने कितने भी हो जाओ लेकिन आप हर चीज़ नहीं सीख सकते, समझ रहे हैं आप बात को। जो लोग एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जो लोग नो मैं ना सॉफ्टवेयर का काम कब से कर रहा हूँ, जब से ये अभी तकरीबन 3 या 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस लाइन में शुरू से ही हूँ क्योंकि भाई ने भाई का काम था मोबाइल का, तो उसी वक्त से ही हूँ, जब हम नोकिया का सेट चलते तब से ही मेरे पास है। ठीक है, मेरे पास एक बॉक्स था उसका, चाइना का बॉक्स आता था पहले, क्या नाम है उसका, एक वल्केनो के नाम से एक बॉक्स आता था, वो मेरे पास रखा हुआ है अभी भी भाई का, तो वो मुझे याद है कि वो चाइनीज सेट जो होते थे वो सोते हुए जब वो कीपैड चलते थे, फिर उसके बाद टच आया, फिर एंड्रॉइड आया, तब आया था। ठीक है, अब तो अलहमदिल्ला सब कुछ आता है और सब कुछ नहीं आता, मतलब इतना आता है कि मैं इंशाल्लाह अगर आप मेरा कोर्स देखोगे तो आप एक सॉफ्टवेयर की शॉप खोल सकते हो, लेकिन मैं जो सिखाऊंगा ना वो मैं राइट वाला सिखाऊंगा, रॉन्ग वाला सिखाऊंगा। रॉन्ग वाला का मतलब ये है कि IMI चेंजिंग हो गया या फिर IMI रिपेयरिंग हो गया। देखो रिपेयर IMI आप कर सकते हो लेकिन वो रिपेयर कर सकते हो जो सेट का है, सेट के बैक साइड पे IMI जो लिखा हुआ है उसको आप रिपेयर करके उसी में डाल सकते हो, लेकिन आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो, चेंज करोगे तो इलीगल है और इलीगल काम भाई कभी ना कभी 1 साल बाद 10 साल बाद आप पकड़े ही जाओगे। ठीक है, तो इसलिए हम तो भाई सेट पकड़ते ही नहीं है और बगैर IT के हम सेट लेते नहीं है। तो मैं ना जो भी कोर्स करूंगा ना उसमें मैं पूरा सेट बताऊंगा आपको, काम कैसे करना है, तरीका क्या है काम करने का, ठीक है, आप शॉप कैसे खोल सकते हैं A to Z। ठीक है, और अब मैं जो पार्ट बनाऊंगा वो इंशाल्लाह जल्दी दिया जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो का पसंद आए, और जब मैंने यही बताऊंगा कि आप सॉफ्टवेयर काम कर रहे हो तो उसमें आपको सिस्टम की क्या जरूरत है। मेरा जो सिस्टम है ना ये ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम ही इतना अच्छा सिस्टम बना लिया और सेट करके बैठ गया, भाई मेरे इससे पहले मैंने Pentium 4 भी चलाया, क्वाड कोर भी चलाया, ड्यूल कोर भी चलाया, फिर i3, फिर i5, i7 पर आ गए। ठीक है, इंशाल्लाह भाई 9 भी आएगा, तो ऐसे अपडेट होता है। तो अभी जो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, देखो अभी क्या है कि अभी पेंटियम सीरीज खत्म हो गई है, क्वाड कोर क्वाड और ये ड्यूल कोर अब नहीं है, i3 i5 i7 i9, ठीक है, ये जनरेशन चलती है। तो आपको बताऊंगा कि आपकी जरूरत क्या है, आपके पास कौन कौन से सेट आते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपको लैपटॉप या सिस्टम बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है, वो इंशाल्लाह पूरे पूरे जो सीरीज चलेगी ना उसके अंदर एक एक बात बताई जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को पसंद आए तो लाइक मारना, शेयर करना और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।